नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और इसका सीधा सीधा असर 32,022 अनुदेशक व 29,334 भर्ती पर पड़ेगा। आइए देखते हैं पूरी खबर, पर इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों से जुड़ी कोई भी खबर मिस ना करें। दोस्तों, दिसंबर 2016 को सपा सरकार ने सहायक अध्यापक पदों के 16,460 पदों पर भर्ती का आवेदन निकाला था। इनमें से 4,000 पद उर्दू के सहायक अध्यापकों के भी शामिल थे। 22 और 23 मार्च 2017 को इस भर्ती पर पहली काउंसलिंग हुई। मार्च 2017 में सत्ता संभालते ही भाजपा ने समीक्षा के नाम पर सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। 15 अप्रैल 2018 को हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर इन भर्तियों को पूरा करने का आदेश भी दिया था और मई 2018 में सरकार ने 12,460 पद पर भर्ती को हरी झंडी दी, लेकिन 4,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी। इसके बाद 8 अक्टूबर 2018 को उर्दू शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी गई। इसके पीछे सरकार का तर्क था कि आरटीआई के मानक के अनुसार 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। सूबे के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 87,200 है, जबकि पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 15,800 है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक विषय के 32,022 अंशकालिक अनुदेश को और विज्ञान व गणित के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती पर भी पड़ेगा। फिलहाल सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य सरकार ने 23 मार्च 2017 को इन सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। भर्तियों पर रोक लगने के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती पूरी करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ। इसके बाद इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई, जिस याचिका में भी भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया गया। फिर इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई में ही यथावत स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, 4,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर रोक, 32,022 अनुदेशक शिक्षकों की भर्ती पर रोक और 29,334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती पर रोक। इस समय सरकार ने इन सभी भर्तियों पर रोक लगा रखी है। इनसे जुड़ी और अपडेट और साथ में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।